सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन, टेक्निकल के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल तीनों कंपनियों ने मिलकर अपने सभी यूजर्स के ऊपर ऐसी कंडीशन लगा दी है जिस कंडीशन में हर एक यूजर को अपने नंबर पर रिचार्ज कराना जरूरी हो गया है। या तो आप 35, 65, 95 रुपये का रिचार्ज कराओ हर महीने, या फिर आप कोई भी अनलिमिटेड पैक अपने नंबर पर लागू कर सकते हो। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में बहुत सारे यूजर्स के पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आपके नंबर की वैलिडिटी इतने टाइम तक की बच गई है, आपको 35-65 रुपये का रिचार्ज कराना जरूरी हो गया है। अब दोस्तों इनकमिंग कॉल भी आगे चल के बंद कर दी जाएगी क्योंकि कंपनी ने पूरी तरह से वैलिडिटी खत्म कर दी है। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में वो कस्टमर फंस चुके हैं पूरी तरह से जिन कस्टमर के मोबाइल नंबर पे बहुत सारा बैलेंस पड़ा है। मान लीजिए अगर आपके नंबर पे 2000 रुपये का बैलेंस पड़ा है और उस बैलेंस की कोई वैलिडिटी नहीं है, तो इस कंडीशन में जो आपके नंबर पर बार बार जो मैसेज आ रहा है वैलिडिटी का, वही उसकी वैलिडिटी है। अब ऐसी कंडीशन में ये कस्टमर दो तरह से फंस गए। अब दोस्तों एक तो ऐसा कस्टमर भी हो सकता है कि जो हर महीने रिचार्ज कराता रहे और इस बैलेंस को काफ़ी सालों तक या फिर काफी महीनों तक उसे यूज करता रहे, या फिर ऐसा कस्टमर पूरी तरह से फंस गया है जो अपने नंबर को एमएनपी कराना चाहे। हालांकि 2000 रुपए का बैलेंस अगर किसी ने डलवाया था तो काफी हद तक चांसेस है कि वो अपने नंबर को एमएनपी नहीं करवाना चाहता होगा, पर 2000 रुपए का बैलेंस होते हुए भी उस कस्टमर को अपने नंबर पर हर महीने वैलिडिटी के लिए 35, 65, 95 रुपए का कोई ना कोई एक मिनिमम रिचार्ज कराना जरूरी होगा, तभी वो उस बैलेंस को यूज कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में तो पूरी तरह से कस्टमर फंस चुका है। यह कंडीशन उन कस्टमर के लिए काफी ज्यादा बुरी है। अब मान लीजिए अगर आप अपने नंबर पे 35 रुपये का रिचार्ज कराओगे तो आपको वैलिडिटी मिल जाएगी 28 दिनों तक की, और 35 रुपये में जो आपको 26 रुपये का जो टॉक टाइम मिलेगा, पहले आपका वो खत्म होगा और जो कॉल रेट 35 रुपये के प्लान में आपको मिली है उसी कॉल रेट के हिसाब से आपका जो 2000 रुपये का बैलेंस पड़ा है वो कटेगा। अब ऐसी कंडीशन में बैलेंस होते हुए भी आपको हर महीने अपने नंबर पर रिचार्ज कराना होगा, हर महीने अपने नंबर की वैलिडिटी बढ़वानी होगी। अब ऐसा अगर आप एक महीने भी नहीं करोगे तो 30 दिनों तक के लिए आउटगोइंग कॉल और 45 दिनों तक की आपकी इनकमिंग कॉल बंद हो जाएगी। मैं आपको उनके लिए बता दूं, अगर मान लीजिए एक महीना ऐसा हो भी जाता है तो आपका नंबर बंद नहीं होगा, आप उसे अगले महीने रिचार्ज करा सकते हो। 3 महीने कंटिन्यू ऐसे ना छोड़े जिसमें आपने कोई भी रिचार्ज या फिर कोई भी एक्टिविटी ना की हो। तो ये कंडीशन काफ़ी बुरी है उन यूजर्स के लिए जिन यूजर्स के मोबाइल नंबर पर बहुत सारा बैलेंस पड़ा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरे ख्याल के बैठे कर जय हिंद।